हेलो लेडीज़, वेलकम टू स्मार्ट किचन। मैं हूँ आपकी फूड गाइड अदिति सेठी। भाई, हम अक्सर इटालियन रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ के टेस्टी और डिलीशियस खाने का मज़ा लेते हैं, लेकिन घर में आकर वही इक्की दुक्की चीज़ बनाते हैं। तो क्यों ना आज कुछ नया और टेस्टी इनोवेटिव सीखा जाए ISOE फिनिशिंग अकेडमी की कुकिंग एक्सपर्ट वंदना टोमर से। वेलकम टू स्मार्ट किचन। हाय अदिति, हाय एवरीबॉडी। आज हम आपसे इटालियन डिश सीखने आए हैं, लेकिन क्या होगी उसमें यूनिकनेस, ये हमें आप बता दीजिए। आज हम सीख रहे हैं मिनिस्ट्रोनी सूप, जिसका एग्जैक्ट मतलब है मिनिस्ट्रा प्लस वन। इसका मतलब एक सूप जिसमें पूरा का पूरा ऑल वेजिटेबल्स आर कवर्ड। तो ये एक ऐसा सूप है जिसमें आप सीजन के अकॉर्डिंग हर सब्जी को यूज़ कर सकते हैं। वाओ, यानी कि जो भी सीजन में वेजिटेबल्स हमारे पास अवेलेबल होंगी, हम उसी से इस सूप को बना सकते हैं। डेफिनेटली। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। हम जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, फूल गोभी, गाजर, जुकनी, बीन्स, पास्ता जो बॉयल हुआ है, सॉल्ट, गार्लिक मिंस्ड, एंड देन यू हैव ऑयल, दिस इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑरिगैनो, पार्मेसन चीज़, ब्लैक पेपर, and then normal olive oil, and then we have some nice fresh chopped parsley. Okay, तो कुल मिलाकर ये सभी ingredients है इस big soup के लिए। And secondly, blanched tomatoes, आखिर होते क्या हैं? Blanched is a word जिसमें हम एक vegetable को उतनी देर तक cook करते हैं boiling water में, जितनी देर तक वो cook ना हुए लेकिन soft हो जाए। तो हम इन टमाटरों को उबलते हुए पानी में डालेंगे और विद इन 5 मिनट्स उसको निकाल देंगे, एंड देन आफ्टर दैट उसकी स्किन को पील कर देंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं द बिग सूप को। सबसे पहले हमने अपने ब्लांच टमेटोज इस बोल में लिया है, एंड नाउ हम इसके अंदर विल पुट सम वाटर, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 टमेटोज के अंदर 2 to 3 ग्लासेज ऑफ वाटर, एंड देन आफ्टर दैट हमने इसको चर्न करना है। नाउ वन थिंग टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस सूप के इसका स्टॉक कैसे बनता है, हमने इस टमेटोज को पूरी तरीके से प्यूरी नहीं करने हैं, हैंड ब्लेंडर इतना चलाना है कि जो स्टॉक हो उसके अंदर टमेटोज के कुछ लम्स आने चाहिए। आई थिंक दैट शुड बी ऑल। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं वंदना जी? नेक्स्ट अब हम इसका ऑयल तैयार कर रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कुकिंग दिस नाइस सूप। स्विच ऑन द गैस। सबसे पहले ऑलिव ऑयल, आई टेक सम ऑलिव ऑयल बिकॉज इट्स अ हेल्दी सूप, यू कैन जस्ट टेक अबाउट 1 teaspoon। आप दीजिए गार्लिक, मिंस्ड गार्लिक, हम गार्लिक को थोड़ी देर के लिए सॉट करेंगे। माय गार्लिक इज डन, जस्ट पास मी द वेजिटेबल्स, द कैरेट्स, आई से टेक सम कैरेट्स। और हमें इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है? अबाउट 1 small carrot। ओके, एक छोटा गाजर आप ले सकते हैं, फूल गोभी, लिटिल बिट ऑफ फूल गोभी, एक छोटा सा, अब बीन्स, अबाउट 6 to 7 बीन्स चॉप्ड, ओके, एंड देन माय जुकनी, सो आई स्टर फ्राई माय वेजिटेबल्स फॉर अबाउट 1 or 2 minutes ऑन अ हाई फ्लेम। यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट के लिए तेज आंच पर अपने वेजिटेबल्स को स्टर करना है, एंड देन सम चॉप पार्सले, दैट्स इट। So now my vegetables are done. Dried parsley is a substitute, but जो flavor fresh parsley से आएगा that is different. बिल्कुल ठीक है। So now I put my stock. Now first on a high boil, and once it is on 1 boil, and then I simmer the soup. आप कभी भी इस सूप के लिए देसी टमाटर ना यूज़ करें, जो बॉम्बे टमेटोज होते हैं जिसके अंदर एक कलर भी होता है, एंड इट डजंट हैव दैट टैंगीनेस, ट्राई टू यूज दोज टमेटोज, एंड देन आई विल पुट सम सॉल्ट, अबाउट 1
टीस्पून। तो अब इसको पकने में कितनी देर चाहिए? इस सूप को पकने के लिए मैक्सिमम 10 to 12 minutes, बिकॉज हम इस सूप में जो अपनी वेजिटेबल्स होंगे उनको क्रंची रखेंगे। आपके सूप में बिल्कुल सॉफ्ट सब्जियां नहीं होंगी। मीन ऑल द सूप, इटालियन सूप में जितनी भी वेजिटेबल्स यूज होती हैं वो क्रिस्प होनी चाहिए। सो विद इन 10 to 12 minutes ये सूप बन जाना चाहिए। नाम में ही थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, अदरवाइज बनने में काफ़ी आसान है। आप इसे घर में इजीली ट्राई कर सकती हैं, बना सकती हैं। तो इसे 10 से 15 मिनट आपको बनाने में लगेंगे। मीनवाइल आप कॉफ़ी या टी की ब्रेक ले सकती हैं। तो खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, मैं इसे महसूस कर रही हूँ। अब हमारे 10 से 15 मिनट भी हो गए हैं, आइए जान लेते हैं वंदना जी से कि ये सूप बनकर तैयार हुआ कि नहीं। द सूप इज ऑलमोस्ट डन, द वेजिटेबल्स आर क्रंची येट सॉफ्ट। अब हमारा इसको गार्निश करने का टाइम आ गया है। जस्ट पास मी सम पास्ता। तो हम इसे पास्ता से गार्निश करेंगे। एक और अच्छी सी बात जो मुझे इस सूप की लग रही है वो यही है, क्योंकि मुझे पास्ता बहुत पसंद है। इन इटली सम पीपल आल्सो पुट लिटिल बिट ऑफ राइस इंस्टेड ऑफ पास्ता, बट टुडे वी आर डूइंग द सूप विद पास्ता। सो नाउ वी पुट बॉइल्ड पास्ता, देन वी पुट ओरिगैनो। ऑरिगैनो जो किसी भी इटालियन डिश में डलता है और इसके बिना कोई भी इटालियन डिश अधूरी है। डेफिनेटली सम ब्लैक पेपर प्लीज, यानी कि काली मिर्च स्वाद अनुसार, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी फिनिश द सूप विद पार्मेसन चीज एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इटालियन कुजीन, this cheese is widely available now in India as powdered form or fresh. So today we are taking dry parmesan cheese. Okay, तो यहाँ पर dry parmesan cheese का हम use कर रहे हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि India यानी भारत में ये easily available हो जाती है, आपको किसी भी departmental store से मिल जाएगी और कोई भी Italian dish यानी कि ये soup भी इसके बिना अधूरा है। So I put little bit of parmesan cheese and then some extra virgin olive oil. अच्छा, इन केस हमारे पास parmesan चीज ना हो तो हम क्या करें? There's no substitute. The only substitute is that you can avoid the cheese. That's it. तो टेस्ट में तो फिर काफी parmesan चीज has a very very sharp flavor. It has a very very sharp taste. So but there is no substitute for parmesan cheese because उसका flavor, उसका अरोमा इज टोटली डिफरेंट। एग्जैक्टली, जो अभी मैं फ्रेगनेंस, जो अभी मैं अरोमा फील कर रही हूँ इस चीज़ का, उसी से पता लग रहा है कि ये सूप का स्वाद बिल्कुल ही बदल चुका है इस चीज़ के डलने के बाद। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल ना हो सके तो आप कोई अदर चीज़ का इस्तेमाल ना करें, इसमें इसी चीज़ को आपको यूज़ करना है। सो इट्स टाइम फॉर हैविंग द सूप आदिति। या श्योर। तो सूप बन चुका है और अब बारी है इसे टेस्ट करने की। मुझे सर्व किया जा रहा है ये डिलीशियस द बिग सूप। डू यू सी ऑल द वेजिटेबल्स, पास्ता, टोमेटो स्टॉक, इट्स अ फुल मील इन इटसेल्फ। एग्जैक्टली, और अगर हम एक बारी इस मील को लेते हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छी तरह से भर जाएगा। इट्स अ प्रॉपर फिलर फॉर अस। यस डेफिनेटली, एंड कैन यू जस्ट पास मी सम पार्सले प्लीज। या दिस इज हाउ द सूप हैज टू बी सर्व्ड। तो आइए पारी है इसे टेस्ट करने की। अल्टीमेट बहुत अच्छा सूप बना है। घर में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। मिनेस्ट्रोनी सूप बनाने के लिए हमें चाहिए फूलगोभी, गाजर, जुकनी, बीन्स यानी फलियां, पास्ता, नमक, गार्लिक, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑरिगैनो, पार्मेसन चीज, काली मिर्च और ब्लांच टोमेटोस। सबसे पहले एक बोल में ब्लांच टमाटर में पानी डालकर चर्न कर लें। इसके बाद एक पैन में हल्का ऑलिव ऑयल गर्म कर उसमें मिंस्ड गार्लिक, गाजर, फूल गोभी, फलियां, जुकनी को स्टिर फ्राई करें। उसमें नमक डालकर 10 से 15 मिनट तक पकाएं और आखिर में पास्ता, ऑरिगैनो, काली मिर्च, पार्मेसन चीज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें।